अगली जो यहाँ पे एग्जाम्पल आती है रैप्ट का, तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स का यहाँ दिए हुए, सेल्स का कोई डेटा हमारा दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं इस पे, इसको कंपेयर करने के लिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर क्या करते हैं, आप डेटा बार ले लेते हैं। डेटा बार क्या करता है, बार बना देता है। बना दिया बार, क्या सर? अब मुझे पहली चीज की मुझे बार इसमें नहीं चाहिए, इसकी अगली सेल में चाहिए। दूसरा, मैं किसी और रिपोर्ट वगैरह पे इस बार को लुकअप कर सकूं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके किया, इसकी जस्ट क्या आ रही है, डेटा आ रहा है ना, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी ना। मैं मतलब जो ये स्केल यहाँ तक बना हुआ है, चाहे 25 भी कर दिया मैंने, 25 का जो बार बना हुआ है, ये तो लुकअप नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे हम अपने रैप फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे देते हैं इक्वल रैप फॉर्मूला। रैप फॉर्मूला में एक करेक्टर होता है ए वाली, लेते हैं ये आपका बैक स्पेस के बगल में या फिर एंटर के बगल में होगा, और फिर इस नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब बोले सर ये तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। दिखेगा, इसके ऊपर एक फॉन्ट अप्लाई करना होगा, वो है ब्रिटैनिक बोल्ड। अब बोले सर बहुत बड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हर नंबर को एक अमाउंट में इसे मैं 5 से डिवाइड कर दिया। इसको कलर करना चाहो तो अलग कलर भी कर सकते हो, टेक्स्ट कलर करोगे कलर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 36 और 36 को लुकअप करना है और साथ में उसके बार को भी लुकअप करना है, तो उसको भी सिलेक्ट करके इसको बार को लुकअप कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए, आ गया आपके। इसका यूज डैशबोर्ड प्रोग्राम में करते हैं, या फिर एक काम और करते हैं। तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल इस तरह का देता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट है, नहीं लॉस, लॉस है एंड प्रॉफिट है। और ये से हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस इकट्ठा लिख देते हैं, इसको रहने देते हैं, अलग कर दिए। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं प्रॉफिट स्लैश लॉस। कुछ प्लस में है तो कुछ माइनस में, प्लस में है कुछ माइनस में, प्लस में है कुछ माइनस में। अब मैंने यहाँ पे हमने कर दिया लॉस, यहाँ पे कर दिया मैंने प्रॉफिट, और इसका फॉर्मा लगाता हूं कि इफ अगर ए लेस देन 0 है तो रैप फॉर्मूले के अंदर इसको, अब प्रॉब्लम है कि रैप फॉर्मूला माइनस नहीं लेगा, तो एक फॉर्मूला होता है एबीएस का, एब्सोल्यूट रेफरेंस, उसको लेते हैं, तो माइनस को प्लस कर देता है, अदरवाइज ब्लैंक, और यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करेंगे, और ये बहुत बड़ा हो गया, दैट इज डिवाइड बाय 5 कर देते हैं ताकि छोटा हो जाएगा। और इसके ऊपर भी सेम हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करेंगे। और राइट में दे देते हैं, इसकी कलर हम कर देते हैं रेड। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ हम बस ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इसके ऊपर भी हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से कर देते हैं, और इसकी कलर को हम कर देते हैं ग्रीन। बीच में एक डंडा चाहिए, फॉर्मेट सेम, बॉर्डर रेड कलर ले लिया, कलर कोई भी ले सकते हो।
और सेम नीचे की तरफ मर्ज कर देता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉर्डर या कोई ब्लू कलर का या कोई और कलर का ले लेता हूँ मोटा वाला, ऊपर पेज लेआउट में और बेटर दिखाने के लिए इसको ग्रे लाइन हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में माइनस 0 और यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस। इसमें आप चाहते थोड़ा सा और दूरी हो, ठीक है, समझ में आया आपको मैम? यस सर, एक बार रिपीट कर देना सिर्फ फॉर्मूला जो लॉस में आपने लगाया ना। सर हमने यहाँ पे सिंपल लगाया कि इफ रैप ई टू मतलब कि जो प्रॉफिट है अगर लेस देन जीरो है तो रैप फॉर्मूला में इस वाले करेक्टर को रिपीट कर दे जितना मर्जी उतना बार, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमने सबको 5 बार डिवाइड कर दिया ताकि छोटा हो जाएगा। एबीएस लगाने का फायदा इसलिए है क्योंकि रैप फॉर्मूला माइनस एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हमारा लॉस तो माइनस में हो ना, इसलिए हमने एबीएस में लगाया ताकि माइनस को प्लस करते, एब्सोल्यूट बोलते हैं उसको, माइनस प्लस में हो जाए, सिंपल। बाद बाकी अगर नहीं माइनस में ये जीरो से बड़ा है तो ब्लैंक कर दे। और सेम चीज यहाँ पे किया, कंडीशन बढ़ा दिया, बोला कि तो ज्यादा है तो सेम वर्क करे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। अब बीच में हम फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर दिए जो आपके सामने दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए कि ये माइनस 60 हो गया या माइनस 65 हो गया तो बड़ा छोटा होता जाएगा, या माइनस 10 हो गया, ठीक है, अगर प्लस में 80 हो जाता है तो बढ़ जाएगा, या 90 हो जाता है तो बढ़ जाएगा। समझ गए? यस सर। आपको समझ में आया चर्चिल जी? यस सर। तो कहने का मतलब है कि कोई फॉर्मूला आप ये मत सोचिए कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आपका है वो यूजफुल नहीं है, बेसिकली उसकी यूज पता होनी चाहिए। तो बहुत जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं, जैसे कि वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, मैच हो गया, सम इफ हो गया, इफ हो गया, ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट आपको रिजल्ट देते हैं। अब जाहिर है इसका यूज पता चल जाता है कि हाँ इसका फलाना इसका ठिकाना यूज है, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसका यूज सिर्फ सिंपल नहीं है, मैं सिंगल नहीं, लेकिन किसी और फॉर्मूले के साथ जब मिलते हैं, जैसे कि रैप फॉर्मूले देख लीजिए, सिंगल इस फॉर्मूले का कोई यूज है? मैं शुरुआत में बताया आपको कि रैप का काम क्या करता है तो लोग यार ऐसे ही है, लेकिन जब इसका एक एग्जाम्पल दिया कि भाई इस तरह से नेम को अलग कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल किया कि आप इस तरह की विजुलाइजेशन कर सकते हैं, तो आपको समझ आए कि ना रैप जो है अच्छा है। क्या प्रकाश जी? यस सर। तो इसका यूज जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला हमारा खत्म होता है, टेक्स्ट रिलेटेड कोई जरा एग्जांपल है तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कल जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो कल जो है हम बात करेंगे आपके साथ डेट एंड टाइम। अब कल एक नई कैटेगरी शुरू होगी, डेट एंड टाइम की कैटेगरी। डेट एंड टाइम कैटेगरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा। और हाँ, मंडे कल सुबह 8 बजे अगर आप लोग फ्री हैं तो आ सकते हैं रिवीजन क्लास के लिए।